दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाया है मैंने ये पॉलीथिन का आसन। ये आसन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मैंने चोटी की तरह बनाई है। फिर मैंने ये बिना मशीन की सिलाई के, बिना कुरसिया से, बिना सिलाई से मैंने ये बना के तैयार किया है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर जो भी पॉलीथिन आती है, मैंने ये दो कलर यूज किए हैं। आप कई सारे कलर इसमें यूज कर सकती हैं, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी पॉलीथिन का डोरमेट बिन सिलाई से कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पॉलीथिन काटेंगे। पहले तो इसके जो पकड़ने वाले इससे जो होती हैं, इन्हें हम कट कर देंगे। मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे हम, ये पॉलीथिन मैंने सीधी कर ली है इस तरह से। अब इस पे हम निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे बराबर के तीन, क्योंकि हम चुटिया वाला आसन बनाएंगे इससे, यानी डोरमेट चुटिया वाला बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने बराबर ये तीन निशान लगाए हैं, देखो। तो ये बीच वाला इसलिए बड़ा है क्योंकि ये यहाँ पे डबल पन्नी है, इसमें ये डबल पन्नी है तो ये मोटा हो जाएगा। इधर की साइड भी डबल पन्नी है, आप देख रहे हैं। तो बीच वाला हिस्सा हम थोड़ा बड़ा लेंगे, ये यहाँ से थोड़ा बड़ा लेंगे। ये होगा हमारा पाँच इंची का, दोनों साइडों से बीच वाला हम 6 इंची का है। इसी तरह से हम इसे कट कर देंगे। कट हम इसे लंबा ही करेंगे। इसमें मैंने पीछे वाला हिस्सा नहीं कट करके फेंका। आप देख रहे हैं इसके मैंने ये तीन हिस्से कट कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम, देखो ऐसे हम इसे डबल करेंगे इस तरीके से, और इसे भी हम ऐसे ही डबल करेंगे दो तीन बार। देखो इसके ऊपर इसे रख लेंगे, ऐसे ही हम इसे डबल करेंगे। ये हमारी तीन पॉलीथिन हो गई है अलग अलग, 1, 2, 3। अब इसे आपस में हम जॉइंट कर देंगे। अगर आपके पास ऊन नहीं हो तो आप धागा भी इसमें यूज कर सकती हैं। धागा पतला होता है तो आपके पास कोई पुरानी साड़ी का पल्लू हो, यानी कि ब्लाउज हो या दुपट्टा हो, तो आप उसमें से पतली पतली लंबी लंबी चीर करके इस तरह से उसे भी से भी बांध सकती हैं। मेरे पास ये यून है तो मैं इसी का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम कट कर देंगे। इतना मोटा ही बांधेंगे, इससे ज्यादा भी थोड़ा मोटा बांध लेंगे तो भी डिजाइन आ जाएगी। अब इसके हम तीन हिस्से करेंगे, 1, 2, 3। वो तो हमने पहले से ही बांधे थे, इसीलिए इसी तरह जैसे हमारी चोटी होती है ना, इसी तरह बालों की तरह इसे भी हम धोएंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ही आसान तरीके से पॉलीथिन का आसन बनके तैयार हो जाता है। हमारे घर पे बहुत सारी पॉलीथिन आती है, हम ऐसे ही उन्हें फेंक देते हैं तो गाय खा लेती हैं, तो वो बीमार पड़ जाती हैं। तो इस तरह से प्लीज़ इनका प्रयोग इसी तरह से करें, पॉलीथिन बाहर नहीं फेंकें, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुँचाती है। गौ माता हो या कोई भी जीव जंतु उन्हें खा लेते हैं, कोई भी कुत्ते
उठा लेते हैं, क्योंकि उनमें कोई गांठ बांधी सामान फेंक देते हैं तो वो भी उन्हें खा लेते हैं। गाय आती हैं, सब्जी देखती हैं उसमें, तो वो सब्जी सहित उन्हें खा जाती हैं पॉलीथिन को। तो प्लीज़ इस तरह से आप पॉलीथिन बांध ना फेंकें, इस तरह से घर में प्रयोग करें उनका भी। तो देखो कितनी आसानी से मेरी ये छोटी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम सिलाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना सिलाई की, और कितनी अच्छी डिजाइन बनेगी आप देखती रह जाएंगी। इधर की साइड भी हम कस के बांध देंगे, जैसे अभी हमने ये बांधी थी जैसे इधर की साइड को बांध देंगे। इसे भी हम धागे को कट कर देंगे, और जो हमारी ये पॉलीथिन इसे भी हम कट कर देंगे इस तरह से। देखो हमारी कितनी आसानी से ये चोटी बनके तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये चोटी बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें ये छोटी है, इससे दो बड़ी बनाएंगे, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी, और दो दो ही बनाएंगे। सबसे बड़ी हम 20 इंची की बनाएंगे, फिर उससे छोटी 19 इंची की, फिर उससे छोटी 18 इंची की। चाहे आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, मैंने तो अपने हिसाब से ही बनाई है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो आप इस तरह से बनाएंगी तो और भी अच्छी डिजाइन आएगी। ये पन्नी मैंने आसन बुनाई का बनाया था, जो मेरे YouTube पे डला हुआ है, रमा चौहान के YouTube पे डला हुआ है। तो मेरी ये पॉलीथिन बची हुई थी, तो इस तरह से कोई लंबी है कोई छोटी है, तो ऐसे ये लंबी है मैंने डबल करके रख ली है, आप देख रही हैं। ये छोटी है तो ये मैंने सिंगल ही ले ली है। इसी तरीके से मैंने अपनी कटी हुई पॉलीथिन यूज करनी है इसमें। तो इस तरह से इसकी मैं छोटी छोटी बनाऊंगी। ये मैंने एक साजी पॉलीथिन ली है आपको दिखाने के लिए, छोटी से छोटी भी पॉलीथिन इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी हो जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, आप किसी को पॉलीथिन को इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे हम कट कर लेंगे दो भागों में, तो हम इसके जो ये पकड़ने वाले हिस्से हैं वो भी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये छोटी पन्नी है इसलिए इसे हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। देखो इसका तो एक टुकड़ा भी नहीं बिगड़ता है छोटी वाली पन्नी का, तो बहुत ही आसान तरीके से आसन बन के तैयार हो जाता है। तो देखो ये मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया है, जो हमने ये वाली पॉलीथिन ली उसे भी इस तरीके से हम बीच में से कट कर देंगे। देखो ये कट कर दी है मैंने, ये मैंने दो हिस्से कट किए थे पॉलीथिन के, इन्हें भी इस तरीके से हम मोड़ कर रख लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप कसके से बांध देंगे, ये मैंने धागा लिया है ऊन का, इसे इसमें बांध देंगे। अब ऊन को कट कर देंगे, अब इसे भी हम छोटी की तरह घोल लेंगे। एक हिस्से में हम इस वाली पॉलीथिन को लेंगे, एक हिस्से में हम इस वाली पॉलीथिन को लेंगे, फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे हम। देखो बराबर के हम तीन हिस्से करेंगे, चाहे तुम कितना भी मोटा बनाना इसे छोटी को, चाहे कितना भी पतला बनाना, मगर तीनों हिस्से ये बराबर ही रखेंगे और एक समान सारी छोटियों को हम घोएंगे, ताकि हमारी जो चोटी बनेगी वो पतली मोटी नहीं बने। Thank you.
तो देखिए मेरी चोटी बनके तैयार हो गई है। तो इसमें अभी हम इसी तरह से ऊन से गांठ दे देंगे। ये मैंने छोटी छोटी बनाई है। इसे भी हम सेट कर देंगे। सेट हम अभी अपनी सभी चोटियों को करेंगे। जैसे मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ जैसे ही करेंगे, देखो इसी तरह से हम चोटी बनाएंगे, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये चोटी बनके मेरी तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ। मैंने ये सारी चोटी बना ली है, देखो ये सारी चोटी मैंने बना के तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ। ये वाली मेरी सबसे बड़ी है चोटी, इस तरीके से मैंने ये रख ली है, फिर उससे छोटी, बीच में मैंने ये बड़ी बनाई है, लगाई है, फिर दोनों उससे छोटी हैं थोड़ी थोड़ी, फिर मैंने ये इस कलर की लगाई है इसमें, देखो इससे भी छोटी। आप देख रहे हैं दोनों तरफ डिजाइन बन के तैयार हो रही है। इस तरह से हम ये डोरमैट बना के तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसकी हम सिलाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे पास व्हाइट कलर का धागा नहीं है, ना ये हरे कलर का धागा है। देखो बहुत गहरा हरा कलर है ये। इस धागे से मैं सिल के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आप ही अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें सिलाई हुई है। मैं यहां से अपनी सिलाई शुरू कर रही हूं। आप देख रहे हैं दो पट्टी मेरी ये जॉइंट हो गई हैं, यानी कि दो चोटी मेरी अच्छे से सिल गई हैं। ऐसे ही हम बाकी चोटियों को। तो देखिए आधा डोरमेट मेरा सिल के तैयार हो गया है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये, और आधा अभी सिलने के लिए बाकी रह गया है। तो इसे भी आपको मैं सिल के दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये वाली मेरी चोटी सबसे बड़ी है, ये वाली इससे छोटी है, यहाँ से ये वाली छोटी है। देखो अब इससे भी छोटी लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर इससे छोटी लगाएंगे, फिर इससे छोटी लगाएंगे। पहले हमने ये बड़ी बड़ी लगाई थी, उससे बड़ी, एक से दूसरी बड़ी, फिर तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी, अब इससे छोटी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी डिजाइन बन जाएगी। इसी तरीके से ये रखी हुई है, ऐसे ही मैं सिलाई कर दूंगी। इसी तरह से हम अपनी सभी चोटियों को इसमें सिल लेंगे। देखो ये अपनी चोटी मैंने सारी सिल ली है, एक चोटी बची है उसे भी आपको मैं सिल के दिखा रही हूँ इस तरीके से। दो गांठ देंगे इसमें ताकि ये हमारा चोटी उधरे नहीं, ये हमारी चोटी उधरे नहीं।
तो ये डोरमैट मेरा सिलके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।